छिंदवाड़ा जिला के चौरई विधानसभा की ग्राम पंचायत रामगढ़ में जल जीवन मिशन की पाइपलाइन टूट गई है। एमपीआरडीसी रोड का कार्य उदित इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड रीवा कंपनी द्वारा किया जा रहा है। यह रोड चौरई से भौमाखेड़ा तक बनाई जाएगी। अब इस कंपनी का कार्य रामगढ़ में चल रहा है। रोड की खुदाई के समय जल जीवन मिशन योजना के द्वारा जो पाइपलाइन पीएचई ने बिछाया है वह टूट गई है, जिससे ग्रामीणों के घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। यह पाइपलाइन 47 लाख की लागत से बिछाया गया है, लेकिन रोड की खुदाई से पाइपलाइन जगह जगह से डैमेज हो गई है। मीडिया को जानकारी में यहां के जनप्रतिनिधि, सरपंच और उपसरपंच ने बताया है कि रोड की खुदाई के समय जल जीवन मिशन की मेन पाइपलाइन टूट गई है, जिससे ग्रामीणों के घरों में पानी नहीं पहुँच रहा है। हमारे द्वारा रोड बनाने वाले ठेकेदार को फोन लगाया गया तो फोन नहीं उठाते हैं, और पीएचई को भी फोन लगाया गया तो कोई जवाब नहीं देते हैं। सरपंच ने बताया कि अभी रबर बांध कर पानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं एवं रामगढ़ टेकड़ी में बसा हुआ है और ऊंची नीची पाइपलाइन होने के कारण पानी पहुंचने में भी समस्या हो रही है। गर्मी का समय है और पानी नहीं मिलने से ग्रामीण जन परेशान है। 2 साल हो गए पर सरपंच बने हैं, उन्होंने आज तक फोन में बात नहीं की है। अच्छा, एक बार मेरी जब अपने पीएचई विभाग में तेकाम मैडम के सामने आमने सामने बैठ के बात हुई, बोली मैंने बहुत ओवर काम कर दिया, वहाँ अब नहीं कर पाऊँगा जी। बोले आप पंचायत से ही करिए, पंचायत में कोई फंड है ही नहीं। अब मैंने तो उसको एनओसी दिया नहीं अभी तक, तो उसके जो कर्मचारी ये सब वगैरह हो भी ये करते हैं और सरपंच साहब करते हैं, ये रिया ठाकुर अभी नहीं ज्वाइन हुई है वहाँ पीएचई में, और सरपंच साहब करते हैं, और सरपंच साहब करते हैं, बस चलते रहती है। महोदय जी, यहाँ पर जल जीवन मिशन की जो योजना है ग्राम पंचायत रामगढ़ में 2 साल पहले कार्य किया गया और वो कार्य गुणवत्ताहीन किया गया, जिसमें चैम्बर में कोई सेफ्टी नहीं है, आधा अधूरे पड़े हैं और जो बाल हैं वो नकली लगाई गई हैं, और पाइप की जो गहराई है वो 2 फीट से 3 फीट के अंदर भी नहीं है, इसलिए रोड से सारे पाइप मशीन चल रही डैमेज हो रहा है। पीएचई वाले को सूचना करो तो वो भी नहीं सुनते, और इसके बाद तुम्हारे ठेकेदार है वो तो फोन नहीं उठाता। अनेक बार शिकायत करने के बाद अब पंचायत के पास कोई फंड नहीं है और पंचायत ने अभी हैंडओवर नहीं लिए, इसलिए पंचायत काम करने में असमर्थ है। अभी तो उन्होंने 10 बार तोड़ दिए, फिर भी हमने जैसे तैसे गर्मी में लोगों को पानी पिलाया, अब वो ज्यादा ही डैमेज है। आप देखो 1 फीट रोड कूदी है और उसमें पूरा पाइप निकल गया। एनबीसी न्यूज के लिए चौरई से राजेश उइके की रिपोर्ट।